नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ उमादित्य द्विवेदी और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मिलावटी दूध तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे मिलावटी खून की, खून में मिलावट के उस काले कारोबार की जिसके खुलासे ने पूरे यूपी में हड़कंप मचा दिया है। मोटी रकम के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले खून के सौदागरों के काले खेल को उजागर कर दिया है। लाल खून के इस काले खेल के पीछे छुपे चेहरे को बेनकाब कर दिया है। जरा सोचिए, क्या हो जब जिंदगी की आस बचाने वाले खून में मिलावट हो जाए, क्या हो जब नकली खून से इंसान की जान का सौदा किया जाए, क्या हो अगर जान बचाने वाला खून जानलेवा साबित हो जाए। इसी पर होगी चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान, लेकिन सबसे पहले आप देखिए रिपोर्ट और लगाइए अंदाजा किस तरह मिलावट का जहर खून में घोला जा रहा है। नियत की बेईमानी है, खून नहीं पानी है। खून के सौदागरों का खतरनाक मिलावटी खेल, नकली खून से जान का सौदा, लाल खून का काला कारोबार। आपने अक्सर खाने पीने की चीजों में मिलावट तो सुनी होगी, लेकिन अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसने यूपी के होश उड़ा दिए हैं। लखनऊ से खून के मिलावटी खेल का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल लखनऊ में खून के सौदागर खून में पानी और केमिकल मिलाकर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे थे। यहाँ पिछले 6 महीने से पानी और केमिकल से तैयार होने वाले खून का काला कारोबार बिना किसी खौफ के चल रहा था, लेकिन अब इस मामले में एसटीएफ ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ब्लड तस्करों के पास से 6 यूनिट ब्लड, फर्जी कागजात और ब्लड बैग बरामद हुए हैं। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी अब तक 1000 से ज्यादा मरीजों को ये मिलावटी खून बेच चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि कमाई के चक्कर में मरीजों की जिंदगी से होने वाले खेल में शहर के बड़े बड़े ब्लड बैंक और पैथोलॉजी के कर्मचारी भी जुड़े हुए हैं। मामले के सामने आने पर एसटीएफ ने एफएसडीए के साथ ब्लड बैंकों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। इस पर इंटेलिजेंस गैदर करने के बाद जब हमने इसमें कार्रवाई करते हुए रेड डाली, इसमें 5 लोग हमने अरेस्ट किए हैं। इनके पास से 6 यूनिट ब्लड मिला है, बाकी ब्लड निकालने का सामान मिला है। इनके पास से कुछ कूटरचित दस्तावेज भी मिले हैं जिसका प्रयोग ये करते थे उस पर सर्टिफिकेशन लगाने के लिए या ये दिखाने के लिए कि ब्लड टेस्टेड है, परंतु ये ब्लड किसी प्रकार से टेस्ट नहीं किया जाता था। और जो भी ब्लड ये निकालते थे जिस भी व्यक्ति का, उसमें ये सलाइन अथवा किसी और प्रकार का मिक्सचर डाल के ब्लड को 1 से 1 यूनिट का 2 यूनिट बनाने की कोशिश करते थे। इसमें पेशेंट को जब ब्लड चढ़ता है तो उसमें उसको टैकीकार्डिया हो सकता है और हीमोलिसिस की वजह से इसमें आरबीसी का काउंट गिर सकता है, इसकी वजह से कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती थी। इनके पास से कुछ और जो ब्लड बैग्स मिले हैं, अभी हम उसकी भी जांच करें कि ब्लड बैग्स इनके पास कैसे पहुंचे। ब्लड बैग्स एक कंट्रोल्ड आइटम है और ये केवल ब्लड बैंक के पास हो सकता है। क्या इंसान का जमीर इतना मर गया है कि वो खून की मिलावट पर उतर आया है? क्या चंद रुपयों के आगे इंसान की जान की कोई कीमत नहीं बची? क्या खून में पानी मिलाने वाले इन खून के सौदागरों का खून भी पानी हो चुका है? आखिर नकली खून से जान का सौदा क्यों किया जा रहा है? अब सवाल ये उठता है कि आखिर खून के इन सौदागरों के तार कितनी दूर तक फैले हैं? खून में पानी मिलाकर मोटी रकम का हिस्सा आखिर कितनों में बंटता था?
खून के इस खूनी खेल में आखिर कितनों के हाथ सने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। तो आपने देखा किस तरीके से एक बड़ा गैंग पकड़ा गया है, एसटीएफ ने पकड़ा है। और बड़ा सवाल यह है कि इस तरह का जब मिलावट खून में होगी तो इंसानी जिंदगी का क्या, क्या चंद पैसों के लिए ये लोग इस तरह के कारोबार को चलाएंगे। और उसके बाद जरा सोचिए, अगर इन्हीं के परिवार के किसी सदस्य को खून चढ़े और उसका अंजाम क्या होगा, शायद रोंगटे खड़े कर देने वाला होगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक गेस्ट का पैनल मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर तुलका चंद्रा है जो केजीएमयू ब्लड बैंक की एचओडी है। हमारे साथ सुधीर शर्मा है, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। शशिकांत वरिष्ठ पत्रकार हैं। और डॉक्टर सोती हमारे साथ जुड़ेंगे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इससे चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर तुलका चंद्रा से। तुलका जी, आप बहुत अच्छे से सिस्टम को समझती हैं कि आखिरकार इतना बड़ा सिस्टम होता है ब्लड बैंक में, इतने लेवल होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, नर्सिंग स्टाफ होता है, और जिस ब्लड बैंक से ब्लड लोग खरीद रहे हैं और इस तरह की चीजें सामने आए। हालांकि मामला अब जब पकड़ में आया है तो ये चीजें निकल के आए, क्या मानती हैं, कमी कहां रह जाती है और इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई कि 6 महीने से ऊपर से ये कारोबार चल रहा था। तुलका जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी तुलका जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, अब पहुंच रही है जी। जिस तरीके से इतना बड़ा खून का खेल चल रहा था, ये जिस तरीके से लाल खून का कहा जाए तो काला खेल, इसीलिए आज हमने इस मुद्दे को नाम दिया है आज के मुद्दे में कि लाल खून का काला खेल, आखिरकार इतने दिनों से चल रहा था और ये सब कुछ चलता रहा। आप लोगों का एसोसिएशन है, आप एचओडी हैं ब्लड बैंक की केजीएमयू में, आप ज्यादा अच्छे से समझ सकती हैं आखिर कैसे ये लोग इतना बड़ा खेल चला रहे थे। देखिए, जब ये खेल चलाता है तो बहुत जगह जो इन्वॉल्वमेंट है। आपको हमारी बात पहुंच रही है? बिल्कुल। अब देखिए, जब भी कभी इस तरह का खेल होता है तो इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है ऐसे कर्मियों का होता है जिनको ब्लड बैंकिंग के बारे में बहुत कुछ पता है। और साथ में ये इसलिए होता है, 6 महीना हो सकता है, 1 साल 2 साल भी हो सकता है, क्योंकि जो पब्लिक है, जो जनरल जनता है, वो इस चीज को अवेयर ही नहीं है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए। वो थोड़े से आराम के लिए, थोड़े से सहूलियत के लिए, थोड़े से पैसे बचाने के लिए शायद अपने मरीज को कितनी बड़ी बीमारी दे रही है और कितना उसने नुकसान कर रही है, इस बारे में वो सजग ही नहीं है जी। और जब इस चीज की जैसे कहते हैं अवेयरनेस नहीं है, जिसका फायदा ये लोग उठाते हैं और इस तरह के काम करते हैं। तो सबसे पहले है कि जब हम लोग का लगता है कि सबसे पहले जो दोनों तरफ से काम करना होगा, एक तो ऐसे कार्य रोकने के लिए हमारी जो ड्रग कंट्रोलर्स हैं वो भी बार बार इंस्पेक्शन करें ऐसी जगहों का, या कोई सूचना मिलती है तो उसके बारे में पकड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है पब्लिक को समझना कि कभी भी ऐसी जगह से खून ना ले जो कि लाइसेंस्ड नहीं है, जो लाइसेंस्ड ब्लड बैंक हुई है। और अगर वहां पे कभी भी ये ना सोचे कोई कहता है कि हम आपको आपके घर पे खून ले जाएंगे, या आपको बिना दिए बिना डोनेशन के खून दिया जाएंगे, या सस्ते में खून ले जाएंगे, तो समझ लीजिए कि जो ब्लड जी। बिल्कुल तुलका जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एहतियात बरतने चाहिए। और हमारे साथ अब थोड़ी देर में भी हमारे साथ सोती, डॉक्टर सोती भी जुड़ेंगे हमारे साथ, जो सामाजिक कार्यकर्ता, उनसे भी प्रश्न करेंगे और उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे आखिरकार समाज, इस समाज में आखिरकार इस तरह की विकृति, पैसे कमाने के, क्या लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। हम सीधे उनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे उससे पहले चलते हैं, हमारे साथ सुधीर शर्मा है, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी है। जी सुधीर शर्मा जी, आखिरकार इतनी हिम्मत कहां से पड़ जाती है अपराधियों की, जिस तरीके से इतना बड़ा ये काम कर रहे थे मिलावट का, खून में मिलाते थे, बताइए सलाइन वाटर खून में मिला के 1 यूनिट से 2 यूनिट कर देते थे, क्या हमारे कानून में ऐसे प्रावधान नहीं है, क्या इनको डर नहीं लगता कानून से? आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है जी। और जब
कहते हैं कि जिंदगी देने वाला ही जिंदगी लेना शुरू कर देंगे, बिल्कुल, तो आम जनता का क्या होगा? कानून अपने आप में सक्षम है, मजबूत है, और आईपीसी की जो धाराएं बनी है, बिल्कुल बिल्कुल सुधीर शर्मा जी, आपसे इन धाराओं के बारे में जानेंगे, कानूनी दांवपेच के बारे में जानेंगे। आज का मुद्दा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं लाल खून का काला खेल। जिस तरीके से खून में मिलावट की जा रही थी, पिछले 6 महीनों से कारोबार फल फूल रहा था, अपराधियों को पकड़ लिया गया है, एसटीएफ ने पकड़ लिया है, और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार इतना बड़ा अपराध लोग कर कैसे लेते हैं। हमारे साथ एक पूरा गेस्ट पैनल मौजूद है, उसी में हमारे साथ सुधीर शर्मा है, उनसे बात करते हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी है जी। सुधीर शर्मा जी, ऐसे कोई कानूनी दांवपेच है क्या? ये अपराधी उस कानून को जानते हैं कि उन पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा, या वो कानून से डरते ही नहीं है? क्या कानून और कड़े करने की जरूरत है? देखिए रविधि जी, कि कानून अपने आप में सक्षम है, और आपके माध्यम से हम अपनी बार काउंसिल से, लॉर्डशिप से अनुरोध करेंगे जी, कि इस तरह के जो मौत के सौदागर हैं जी, उनके मुकदमे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाएं और 6 महीने के अंदर इनको सजा दे दी जाए। सजा पर्याप्त है, आजीवन कारावास है जी। ये जानते हैं 30-35 साल की उम्र में क्राइम कर रहे हैं, 30 साल मुकदमा चलेगा, आधे ज्यादा जिंदगी कट जाएगी, स्लॉग ओवर की जिंदगी बाकी बचेगी, वो चाहे जेल में कटे चाहे बाहर कटे, अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे, और इसी तरह मौत से लोग जिंदगी खेलते रहेंगे। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलेगा, निश्चित इनको यह डर रहेगा कि 6 महीने के अंदर हमारी सजा हो जाएगी, और हमको, और हर आदमी सजा से डरता है, लेकिन वो खेलता इस चीज से है, बिल्कुल 6 महीने में अगर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट अपना फैसला सुनाते हैं अपराधियों के खिलाफ, 5 साल के अंदर डर जो है वो बढ़ेगा और ऐसे अपराध से वो बचेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सोती हमारे साथ है, सामाजिक कार्यकर्ता है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर सोती ये समझाइए, दर्शकों को ये बताने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार इस समाज में इस तरह का क्राइम, क्योंकि धरती पर जो भगवान है उन्हें डॉक्टर का दर्जा दिया गया, जो डॉक्टर है उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है, और उन्हीं से जुड़ा हुआ यह पेशा है, कुल मिला के क्या माना जाए? क्या लोगों के मन से संवेदनाएं खत्म हो गई हैं और इस तरह के अपराध हो रहे हैं? आखिर ये प्रवृत्ति कहां से उत्पन्न होती है? इसकी पृष्ठभूमि में हमको जाना पड़ेगा जी। हमारा सूबा 23 करोड़ लोगों का है, जिसमें ज्यादातर ग्रामीण हैं और गरीब हैं, उनको उतनी चिकित्सा अवेलेबल नहीं है। इसका फायदा ये इस प्रकार के लोग कुछ डॉक्टरों की मदद से, क्योंकि पेशेंट जो का तीमारदार है वो खून खरीद के खुद तो चढ़ाता नहीं होगा, डॉक्टर साहब चढ़ाते होंगे। क्या डॉक्टर साहब के संज्ञान में ये बात नहीं है कि ये ब्लड कहाँ से आ रहा है और इस ब्लड में जो है क्या कमियां हो सकती हैं, कहाँ से खरीदा गया है? इतना तो समक्ष होते हैं डॉक्टर साहब लोग। तो ये जो है उनके गरीबों की जो दशा है उसका फायदा उठाते हुए डॉक्टर का गठबंधन है इसमें जरूर। अगर यहाँ तृप्ति जी बैठी है उनको ध्यान होगा, इससे पहले भी एक रैकेट पकड़ा गया था जिसमें बकरे का खून दे देते थे, वो तो बहुत ही खतरनाक था, चढ़ते ही आदमी पेशेंट मर जाता था। इस बार तो गनीमत हुई है कि उसमें स्लाइन वाटर डाल रखा है, जिससे जो है कुछ समय तक वो बेचारा सर्वाइव कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, पुलिस हमारी उतनी सक्षम नहीं है, उतनी टेक्निकल नहीं है। जब वो केस बनाती होगी तो हो सकता है कि अच्छे वकील और अच्छे नॉन टेक्निकलिटी की वजह से बहुत से लोग बच के भी निकल जाएं। तो ऐसी परिस्थिति में हमको देखना है कि जो जिनको आप भगवान कह रहे हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो उनकी सबसे पहले है कि इस प्रकार के खून को डायग्नोज करें। कहीं ना कहीं उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो खून अपने मरीज को चढ़ाए तो वो खून ऐसे व्यक्ति से ना लिया गया हो, वो इसको सुनिश्चित करें। हमारे साथ शशिकांत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत नजदीक से कई खबरों में गए होंगे आप शशिकांत जी, आपने बहुत अच्छे से कवरेज किया होगा, आपने जाना होगा ऐसी स्थिति को। शशिकांत जी, क्यों ना माना जाए
कि कहीं ना कहीं सब कुछ मिली भगत से चलता है जी। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर देखा जाए तो जो पूरा हेल्थ सिस्टम है वो कमीशन खोरी का शिकार हो गया है बिल्कुल, जिस वजह से इस तरह के मामले देखने को आ रहे हैं। लखनऊ में ही अभी कुछ साल पहले की बात है, कपूरथला चौराहे के पास में एक पैथोलॉजी थी, कोहली पैथोलॉजी, वहां पे इस तरह का मामला आया था, कुछ कार्रवाइयां हुई थी, उसके बाद फिर दोबारा वो पैथोलॉजी उसी तरीके से रन कर रही है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये पहला या दूसरा मामला है, पूरे प्रदेश में इस तरह के तरह तरह के मामले हैं, लेकिन कभी मामले खुल जाते हैं कभी नहीं खुलते हैं। इस पूरे मामले के अगर हम तह में जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि इसके लिए जो कमीशन खोरी है हेल्थ डिपार्टमेंट में और प्राइवेट सेक्टर्स में, उस कारण से कमीशन खोरी इतनी बढ़ गई है कि जो चीजें हैं उनको ताक पे रख के लोग मरीजों की जान से भी खेल रहे हैं बिल्कुल। वो सिर्फ चाहे ब्लड से रिलेटेड हो, चाहे एम्बुलेंस से रिलेटेड हो, चाहे दवाइयों से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीजों से रिलेटेड हो, पूरा हेल्थ सिस्टम जो है वो इस तरीके से कोलैप्स कर रहा है। और इस पे अगर जल्दी ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले टाइम में कई और गंभीर चीजें देखने को सामने आएंगी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर तुलका हमसे जुड़ी हुई हैं, तुलका चंद्रा जी जो एचओडी हैं केजीएमयू की ब्लड बैंक की। डॉक्टर तुलका चंद्रा जी, आपने पूरे सिस्टम को बहुत अच्छे से देखा, मैंने आपसे पहला प्रश्न भी यही किया था, एक दलाल होगा जो कहीं ना कहीं से डोनर की व्यवस्था करता है, और जो डोनर होगा कहीं ना कहीं वो गरीब होगा या तो फिर वो नशेबाजी का शिकार होगा, तभी वो इस तरह से जो ब्लड है वो अपना देगा। दूसरी चीज, एक पैथोलॉजी, यानी हालांकि अभी दो पैथोलॉजी पकड़ी गई है लेकिन अभी और भी कई रडार पर है एसटीएफ की, क्यों ना माना जाए कि आपका जो पूरा सिस्टम है वो इसकी चपेट में है, औद्योगीकरण के चक्कर में। देखिए ऐसा है कि ब्लड बैंक के बारे में तो हम बता सकते हैं जी, कि ब्लड में क्या होता है कि कभी भी आप ब्लड बैंक में जाएं तो ये बहुत बार औचक निरीक्षण में ड्रग कंट्रोलर के होता है। इसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार बहुत सारे कार्य करने होते हैं, जिसको ना करना उसके लिए सजा के अधिकारी होता है, ब्लड बैंक का लाइसेंस खत्म किया जा सकता है। अब ये दलाली शुरू कैसे होती है जो हमने देखा है, ज्यादातर लोग आप उत्तर प्रदेश में लोग स्वैच्छिक रक्तदान नहीं करते, अगर आप हम लोग सबसे ही समाज से पूछिए तो कितने सारे लोगों ने 18 साल की उम्र के बाद स्वैच्छिक रक्तदान किया, शायद ही कोई हाथ उठाता है, और जिसकी वजह से रक्त की आपूर्ति आपको मालूम है कि लोग स्वेच्छा से रक्तदान क्यों नहीं करते, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, लोगों को नहीं मालूम कि सिस्टम में क्या चल रहा है, क्योंकि सब कुछ जो होता है, अगर आप बात करेंगे, एक बहुत आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, आईसीयू की बात कर लें, इंटेंसिव केयर यूनिट की बात कर लें, तो किसी भी मरीज के तीमारदार को अंदर नहीं जाने दिया जाता, और जो हवाला दिया जाता है हाइजीन का कि वहां पर नहीं जा सकते, साफ सफाई के मद्देनजर आपके मरीज को दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसी सिस्टम की वजह से, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। नहीं देखिए आईसीयू में तो ना जाने का, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि आखिरकार ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लोग सिस्टम का शिकार है। देखिए ऐसा है कि आईसीयू की तो बात अलग इशू है, क्योंकि इन्फेक्शन है वो एक अलग इशू है, लेकिन जो ब्लड बैंक वाला जो सिस्टम है इसमें ट्रांसपेरेंसी होना एक मजबूरी होती है, इसमें कोई चीज आप छुपा नहीं सकते अगर ब्लड बैंक का लाइसेंस मिल रहा है जी। और जब आप स्वैच्छिक रक्तदान की बात कर रहे हैं, देश तो वही है, उसमें अलग अलग प्रदेश हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हमारा युवा वर्ग है सब लोग रक्तदान नहीं करते हैं, डरते हैं, मरीज सोचता है, मरीज का जो रिश्तेदार सोचता है कि मुझे रक्त ना देना पड़े, मेरी जगह कहीं और से मुझे रक्त खरीद के मिल जाए। जब तक ये भावना रहेगी, लोग कहते हैं जैसी आपकी डिमांड है वैसी ही सप्लाई, अगर आप भावना रहेंगे कि हम कहीं से रक्त खरीद लें तो कहीं ना कहीं वो सिस्टम डेवलप होता है रक्त बेचने वाला, जबकि रक्त खरीदना बेचना दोनों कानूनन अपराध हैं। तो अगर आपको ब्लड बैंक से रक्त नहीं मिल रहा है बिना खरीदे, उसके जो प्रोसेसिंग चार्जेस डिस्प्लेड हैं, तो अटेंडेंट कोशिश करता है कि हम किसी ऐसे आदमी से मिले जो हमें रक्त बिना दिए दिलवा सके। अच्छा फिर ये लोग दलाल क्या फायदा लेते हैं, पेशेवर रक्तदाता, ये लोग कहते हैं हम तुम्हारे लिए रक्त दे देंगे, तुम झूठ बोल के कहना कि मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। तो जब वो आता है तो अगर रक्त कोश में उस चीज को ठीक से पकड़ नहीं पाए तो वो देने में सफल हो जाता है, तो मरीज खुश होता है कि मैंने तो बिना दिए रक्त ले लिया, लेकिन उसका असर देखिए, उस पेशेवर रक्तदाता का रक्त किसी मरीज को तो चढ़ेगा और उसका नुकसान होगा। तो जब तक हम अपने सिस्टम में ये मानसिकता नहीं डालते कि हम रक्त देंगे,
अगर हम आज हम चाहते हैं कि हम रख देंगे और बदले में रख लेंगे तो देखिए कोई बीच में किसी आदमी का इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, किसी दलाल का बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट तो नहीं करेंगे। तुलका जी, आपका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी एसोसिएशन ऐसी गाइडलाइंस क्यों नहीं जारी करता है इन सभी ब्लड बैंक के लिए और सभी डॉक्टर्स के लिए कि जिस तरीके से इस तरह का घपला निकल करके सामने आता है। हम सीधा बात करेंगे डॉक्टर सोती से। डॉक्टर सोती, आप बहुत अच्छे से समझते होंगे समाज में किस तरीके से लोग अपना ब्लड डोनेट करते हैं। अभी बात बहुत अच्छी की तुलका जी ने कि जो ब्लड है स्वेच्छा से नहीं देते हैं, लेकिन लोगों को भी नहीं मालूम ना कि ये ब्लड जो हमारा जा रहा है कहाँ जा रहा है, कहाँ यूज होगा, क्या उसकी भी दलाली होगी, क्या उसमें भी कमीशन खोरी होगी, बड़ा सवाल यही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अगर आप पीजीआई का देखें तो उनके पास तो एक फुल प्रूफ सिस्टम है, वो अपना ब्लड ले लेते हैं और उसके बाद जो है उनकी टेस्टिंग होते हुए वो चला जाता है और किस पेशेंट को जाएगा कि ये नहीं मालूम रहता है। लेकिन ये है कि ये मालूम है कि एक स्वच्छ जो ब्लड है वही पेशेंट को जाएगा। लेकिन हम आपको फिर बता रहे हैं 23 करोड़ की आबादी है, बहुत बड़ी हमारे पास आबादी है, बहुत ज्यादा लोग एनेमिक्स हैं, तो अक्सर ये जो ब्लड बेचते हैं जो पोल्यूटेड है इस तरीके का, ये उनके होता है। जैसे आपने देखा होगा किसी के पैर में सूजन आ गई तो जो छोटे डॉक्टर्स हैं तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है दो यूनिट ब्लड चढ़ा दो, इसमें हीमोग्लोबिन जो है आपका जो है 5 पे आ गया 7 पे आ गया है, तो उस जगह ये काम आ जाता। बल्कि जहां तुलका जी का है इनका डिपार्टमेंट भी देखा, हमने भी रक्तदान किया है, कई एसोसिएशन के साथ हैं, इनको अगर याद आ रहा होगा IIA हम लोग का एक एसोसिएशन है जिसमें हम लोग रेगुलरली रक्तदान करते हैं, आप आती हैं वहां पे और देखती हैं। लेकिन इनकी प्रॉब्लम KGMC की नहीं है, ये जो प्रॉब्लम्स है वो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स की हैं जो नर्सिंग बन गई है जिसमें एनेमिक पेशेंट आते हैं, ये सप्लाई उनको करते हैं, उनके जो डॉक्टर्स हैं उनको पता भी रहता होगा जहां तक मुझे पूरी उम्मीद है, और उसके बाद भी ऐसा खूनी खेल खेल रहे हैं जिसका अत्यंत दुख है हमें। बिल्कुल खूनी खेल खेला जा रहा है, सब कुछ चल रहा है, आखिरकार इस प्रदेश की बात नहीं है पूरे देश में कहीं ना कहीं जब चीजें खुल करके सामने आ जाती हैं तो मालूम चलता है कि आखिरकार ये खेल चल रहा है, आखिरकार लोगों की विश्वसनीयता क्यों खत्म हो रही है इस सिस्टम के प्रति, इस मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोगों के प्रति क्यों अब संवेदनाएं लोगों की भी खत्म हो रही है, क्योंकि जूनियर डॉक्टर का मामला भी हर बार सामने निकल कर आता है तीमारदारों से मारपीट का। हालांकि आज का जो मुद्दा है हमारा वो ब्लड से जुड़ा हुआ है, खूनी जो खेल खेला जा रहा है लाल खून का, आज उस पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लंग का काला खेल खेला जा रहा था, पिछले 6 महीने से कारोबार फल फूल रहा था, खून में मिलावट का धंधा जारी था। हालांकि अब जो अपराधी हैं उनको पकड़ लिया गया है और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एक गेस्ट का पैनल मौजूद है, उसी कड़ी में हमारे साथ शशिकांत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीधा उनसे बात करते हैं। शशिकांत जी, हर मामले में जब मामला सामने आता है, कोई भी मामला जब सामने आता है तभी सारी जांच शुरू होती है, तभी सारी तहकीकात शुरू होती है, तभी उस पर कार्रवाई शुरू होती है, आखिर पहले से ऐसा क्यों नहीं होता है, पहले से ही क्यों नहीं नजर रखी जाती, मॉनिटरिंग क्यों नहीं की जाती, कमी कहां रह जाती है? दरअसल क्या है कि इसके पीछे सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी निभाने की भूमिका है वो अपनी जिम्मेदारी से खुद किसी न किसी कारण से विमुख हो जाते हैं। जब वो विमुख होते हैं तो फिर वहीं पे इस तरह की चीजों को मौका मिलता है और इस तरह की चीजें जो है पनपने लगती हैं। इसके पीछे कुछ भी कह सकते हैं, कमीशन खोरी कह सकते हैं, रिश्वत कह सकते हैं, भ्रष्टाचार कह सकते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत यहीं से होती है। अब जो विभाग है FSDA अगर ये प्रॉपर चेकिंग करता रहे, बराबर प्रॉपर जो है ये क्या नाम है ब्लड बैंक जाए और वहां की चीजों को देखे, अपनी रिपोर्ट फाइल करे, तो इस तरह की समस्याएं सामने नहीं आएंगी। लेकिन जब ड्रग कंट्रोलर ही नहीं जाएगा और बैठे बैठे अगर रिपोर्ट फाइल कर देगा बिल्कुल, या विभाग की ओर से आंख बंद कर लिया जाएगा कि जो चल रहा है चलने दो, जो मंथली आ रहा है बस उसको देखते जाते हैं, तो इस तरह की समस्याएं आएंगी। ये समस्या कभी नहीं रुकेगी और इसको अगर रोकना है तो इसके लिए सबको संजीदा होना पड़ेगा, सबको एक नए तरीके से नई सोच के तहत एक काम करना पड़ेगा ताकि हमारी सोसाइटी में हमारे परिवार में कोई भी व्यक्ति इस तरह की चीजों इन चीजों का शिकार ना हो।
बिल्कुल, हमारे साथ इसी कड़ी में हमारे साथ सुधीर शर्मा जी हैं। सुधीर शर्मा जी, आपको बहुत अच्छे से मालूम है, आप बहुत अनुभव है आपको पुलिस का, आप बड़े अधिकारी रह चुके हैं। सुधीर शर्मा जी, जब एसटीएफ ने पकड़ा है इन अपराधियों को, उनमें से दो जो अपराधी, जब उनसे पूछताछ की गई और उनसे कहा गया कि अभी तक कितने लोगों की डेथ हुई है तुम्हारे संज्ञान में, तो उसने बोला एक व्यक्ति अभी तक मरा है। हालांकि जब उससे कहा गया कि अगर तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को ये खून चढ़ाया जाता फिर उसका अंजाम क्या होता, तो उसने साफ तौर पर उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, किसी भी तरह का डर नहीं था और ना ही उसको किसी तरह का किसी के प्रति संवेदना थी। क्या माना जाए, ये अपराधी बड़े ही गंभीर क्राइम है, मतलब कहा जाए क्रिमिनल है, जो मतलब इस तरह की बातें सुन करके भी इनके चेहरे पर शिकन नहीं है। देखिए, आपने बहुत सही कहा, जो कसाई होता है जी, वो बकरे काटता रहता है, उसे चेहरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, जिसका काम ही जो है लोगों की जिंदगी से खेलना है, चाहे उनके घरवाला मरे चाहे पड़ोसी मरे, उनके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके माध्यम एक बात हम कह देना चाहेंगे, आप याद कीजिए, एक समय था कि पेट्रोल पंप के ऊपर रामराज्य चलता था, किसी को उम्मीद नहीं थी कि एसटीएफ इतना बड़ा काम करेगी। एसटीएफ ने कर दिखाया। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, एसटीएफ ऐसा संगठन है उत्तर प्रदेश पुलिस का, हर असंभव को संभव कर दिखाएगा। आप इंतजार करते रहिए, अभी तो शुरुआत हुई है। ऐसे ऐसे लोग आएंगे आपके सामने, बेनकाब होंगे कि बस आप विश्वास कीजिए एसटीएफ के ऊपर, और कर रही है एसटीएफ काम, और अच्छा करेगी। बिल्कुल, एसटीएफ काम कर रही है, और अभी भी कई और ब्लड बैंक के नाम निकल करके सामने आने, क्योंकि उसमें कुछ डॉक्टर की भी संलिप्तता सामने आने की बात चले, क्योंकि जिस तरीके से आरोपी बार बार बयान दे रहे हैं, नाम ले रहे हैं, बहुत कुछ निकल के आने वाला है। हमारे साथ तुलका चंद्रा जी हैं। तुलका जी, जिस तरीके से सिस्टम है, आपको मालूम है कि सैकड़ों की संख्या में जो पीआरबीसी है वो मिली है, ब्लड बैग्स मिले हैं और भी कई उपकरण मिले हैं, वहां पर किसी तरह की खून की जांच नहीं की जाती थी और कोई भी वेल नॉलेज नहीं है, उसके पास कोई डिग्री नहीं इन लोगों के पास है, आखिरकार ये लोग जुड़े हुए हैं ब्लड बैंक से, आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा गोरख धंधा चल रहा है और ऐसे में जो आपका सिस्टम है वहां पर लखनऊ में, तो वहां पर इस तरह की रोक के लिए या इस तरह की जो स्टेप्स लेने चाहिए जिससे ये इस तरह का जो क्राइम है वो रुके, क्यों नहीं लिया जाता है अभी तक? देखिए, पहले जो ये यूनिट्स पकड़ी गई हैं जहां चल रहा है, ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है। इस तरह से तो कहीं भी कोई ब्लड डोनेशन करवा ही नहीं सकता है कि घर पे ब्लड डोनेशन कराए और उसे अपने पास रखे। तो ये गैर कानूनी काम है, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो चल रहा है और क्यों चल रहा है। अब कहीं ना कहीं इसके सूत्र कुछ ऐसे होने चाहिए कि लेने वाला देने वाले के बीच में, जो हम सोचते हैं हमारा सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए जी, जो इंटेलिजेंस सिस्टम, कि कहीं ना कहीं सूत्र से पता चले, आप वहां पे उसको पकड़ के उसके रोके, और ऐसे लोगों के मन में इतना डर बैठा दीजिए कि दूसरा आदमी हिम्मत ना करे इस तरह के गलत काम करने की। जी जी बिल्कुल, इस तरह के गलत काम करने की दूसरा व्यक्ति हिम्मत नहीं करे तब तक सिस्टम सुधरेगा नहीं, तो स्टेप लेना पड़ेगा। कुल मिला के आपको भी मानना चाहिए, जो आपका सिस्टम है, मेडिकल एसोसिएशन के लोग हैं, उन्हें भी कुछ गाइडलाइन तैयार करनी चाहिए इस तरह के ब्लड बैंक्स के लिए और इस तरह के अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर सोती जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। डॉक्टर सोती, जिस तरीके से अभी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एसटीएफ ने उनको पकड़ा और इस तरह के बयानबाजी वो कर रहे हैं जो अपराधी हैं, क्या समाज के अंदर इस तरह की बुराइयां फैल चुकी हैं, या ये माना जाए इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो जिस तरह का अब इस फील्ड का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, औद्योगिकरण हो गया है, उसके चलते अब सब कुछ अर्थ जगत से जुड़ गया है और इसी के चलते ये सारी चीजें हो रही हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। हमारे पास जो कानून है उसमें दो चीज है, एक तो कानून का पालन कराने वाले हैं और दूसरा जो है उस कानून के आधार पे उनको सजा देने वाले हैं। तो जब तक हमारे पास ये दोनों चीज अच्छी नहीं होगी, जैसा कि शर्मा जी ने बताया कि एसटीएफ अच्छा काम कर रही, वास्तव में एसटीएफ अच्छा काम कर रही है और उसने काफी उजागर किए हैं, हमको अपनी जुडिशरी पे भी थोड़ा सा उस पर आना चाहिए, उसको बेहतर करना चाहिए, ताकि जो है बहुत तेजी से जो है, जैसे बताया था कि फास्ट ट्रैक पे हो और उसके जो कोर्ट, अगर हाई कोर्ट में
जाता है या सुप्रीम कोर्ट तक भी केस जाता है तो वहां पे भी जो है जल्दी से सुनवाई हो जाए जिससे कि इनको कानून का डर हो जाएगा। डॉक्टर तुलिका बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब तक लोगों में कानून का डर नहीं होगा, जब तक उनको मालूम नहीं रहेगा कि जो आजीवन कारावास है वो वास्तव में क्या होता है, उस इस छोटे से जीवन में उस प्रकार की जो परेशानियां जब वो झेलेंगे तो वो एक नजीर होगा, एक उदाहरण होगा, और जो उनके आसपास के लोग हैं और जो है उसको देखेंगे तो उससे डरेंगे, तभी कानून का जो है शिकंजा इनके ऊपर चलेगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ सुधीर शर्मा जी हैं। सुधीर जी, जिस तरीके से आए दिन वारदातें होती रहती हैं, आप अगर देखें नर्सिंग होम्स में तीमारदारों की डॉक्टर से लड़ाई हो जाती है, लेकिन अगर बात करें जो सरकारी अस्पताल है वहां पे जूनियर रेजिडेंट जो हैं वो अक्सर तीमारदारों से झगड़ जाते हैं, लेकिन ये मसला थोड़ा अलग है। तो पूरा जो सिस्टम है जिस तरीके से चल रहा है, सिस्टम को बदलने के लिए क्या पुलिस को भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए? पुलिस के हाथों में भी ऐसी पावर्स होनी चाहिए जो मेडिकल सिस्टम में घुस सके और इस तरह की चीजों को रोक सके? मानते हैं आप ऐसा? देखिए, आप जानकारी बता दें कि लॉ बन चुका है कि कोई भी पब्लिक का आदमी, कोई भी तीमारदार किसी भी डॉक्टर से अभद्र व्यवहार नहीं करेगा। जी, वही डॉक्टर्स की भी जिम्मेदारी बन गई है कि वो अपने मरीज के साथ में शालीनता से पेश आएंगे, तीमारदारों को सही समस्या बताएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि वेंटिलेटर पर रखे रहे, तीन दिन पहले आदमी मर गया और तीन दिन वेंटिलेटर पर रखा रहो, पता लगा कि सुधीर जी मैं सिस्टम की बात कर रहा था, पूरा जो मेडिकल सिस्टम है। हालांकि ब्लड बैंक का ये मामला है, आज डिबेट हमारी इस पे, हम इसी पे चर्चा करेंगे, लेकिन मैंने इससे इसको इसलिए जोड़ा क्योंकि जो पूरा सिस्टम है जिस तरीके से काम कर रहा है, लोग परेशान हो जाते हैं और ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल। हम डॉक्टर तुलिका के पास चलते हैं। डॉक्टर तुलिका चंद्रा जी, जो गरीब है, आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताएं कि आखिर उन्हें किस तरीके से ब्लड खरीदना चाहिए और क्या क्या वहां पर चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन सी चीजों के साथ आगे बढ़ना चाहिए ब्लड खरीदते समय। मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है। जी, गरीब है, उसको ये पता है कि इंसान है, गरीब है, और सरकार ने बड़ी सारी सुविधाएं दी हैं गरीबों के लिए, और उसको इस बात से अवगत होना चाहिए। जी, उसको खून देना, खून में तो देखिए गरीब के रिश्तेदार तो गरीब के भी होते हैं, भाई बहन उसके भी होते हैं, तीमारदार उसके भी होते हैं, और अमीर के भी होते हैं। और कभी भी ब्लड बैंक में जो ब्लड दिया जाता है गरीबों के लिए, आजकल तो ब्लड बैंक में ब्लड फ्री कर दिया है सरकार ने, मतलब निःशुल्क कर दिया है, जहां वो उसे पैसे नहीं देना पड़ेंगे। अगर बीपीएल कार्ड धारक है या असाध्य है या बहुत सारे डेस्टिट्यूट है, विपन्न है, इन लोग को पैसे नहीं देने पड़ते हैं। थैलेसीमिया का मरीज है जिसको बार बार खून चढ़ना होता है, उसी से ही जिंदा रहता है, ऐसे रोगों से एचआईवी के जो पेशेंट्स हैं इनको रक्त बिना डोनेशन के, बिना रक्त दिए मिलता है, जिसमें स्वैच्छिक जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जैसे आईआईए की, ये मदद करती हैं, स्वैच्छिक रक्तदान करती हैं, इससे इनका काम चलता है और इनको सरकार से निशुल्क रक्त भी मिलता है। ये बहुत बड़ी जरूरत है। लेकिन जब मरीज को ये समझे कि जब उसे ब्लड बैंक जाना है तो पहले तो स्वयं ब्लड बैंक जाए, वहां पे ब्लड बैंक जाके मरीज का रिक्विजिशन फॉर्म, जिसमें कहते हैं रक्त आपूर्ति पत्र, और उसका सैंपल जरूर लेके जाए, जिसमें उसका नाम, उसका वार्ड बेड नंबर सब कुछ अंकित होगा वहां पे। उसके पास यदि रक्तदाता का पूर्ण चिकित्सीय परीक्षण होगा, सामने ही सामने होगा, और उसके बाद उसका शुल्क जमा होगा। शुल्क जो जमा होगा वो ब्लड यूनिट लेने के लिए जमा होगा, ब्लड डोनेशन के लिए कोई शुल्क नहीं होता। पहली बात, अगर कोई कहे कि आपको ब्लड डोनेशन के लिए शुल्क देना है तो वो गलत है, ब्लड देने के लिए कोई शुल्क नहीं होता, ब्लड लेने के लिए होता है। तो वो शुल्क हर ब्लड बैंक के सामने डिस्प्लेड होते हैं, नीति है, ये लॉ है कि हर ब्लड बैंक में जहां पे वो शुल्क जमा करता है वहां पे कितना शुल्क किस चीज का है डिस्प्लेड होना चाहिए। उसके बाद पढ़ने के बाद वो रसीद अवश्य ले ले, उसे पता चलेगा कि ये रसीद का इतना ही पैसा लिया गया है, कुछ ज्यादा पैसा नहीं लिया गया। और जब वो रक्त यूनिट अपने हाथ में ले तो जरूर चेक कर ले कि वो उसी मरीज की है, किसी और की नहीं दी गई, और वो कहीं से लीक तो नहीं कर रही, उसमें कहीं से खून बह नहीं रहा है, सही तरीके की है, लाल रंग की है, कहीं से टैम्पर्ड नहीं दिख रही, और उसके लेबल पे जरूर लिखा हो कि वो एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया, सिफिलिस जैसी बीमारियों के लिए जांच की गई है और नेगेटिव पाई गई है। इसको लेने के बाद इसके साथ एक और कागज मिलता है जिसे कहते हैं कंपैटिबिलिटी वाउचर। वो कंपैटिबिलिटी वाउचर उस यूनिट के साथ वो लेके आके अपने डॉक्टर को तुरंत दे दे, बीच में किसी और आदमियों को ना दे, जिससे कि ब्लड कभी गलत हाथों में ना पड़े, कोई उससे छीन के ना ले जाए। होता है लोग गलत बात करके उसका ब्लड ले जाते हैं और वो जब डॉक्टर को देकर अपने सामने उसके मरीज को रक्त चढ़ जाएगा।
जी बिल्कुल, हमारे साथ शशिकांत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शशिकांत जी, जिस तरीके से नीचे से लेकर ऊपर तक अगर सभी मिल जाएंगे तो फिर इस तरह के गोरख धंधे को कैसे रोका जाएगा? देखिए, इस तरह के गोरख धंधे को रोकने के लिए सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, चाहे वो जनता हो, चाहे वो अधिकारी हो, या मतलब इस धंधे से जुड़े जो भी लोग हैं जो इसको बिजनेस के रूप में ले रहे हैं और अपना ब्लड बैंक चला रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, जब तक सब लोगों में जागरूकता नहीं आएगी, सब लोग इन चीजों को लेकर गंभीर नहीं होंगे, तब तक इसको रोक पाना बहुत असंभव दिखता है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये इस चैनल में, पूरे चेन में जो धीरे धीरे कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार और अन्य चीजें व्याप्त हो रही हैं, इस इन चीजों को बढ़ावा मिलने के कारण समस्याएं बढ़ रही हैं। और अगर इसी तरीके से रहा तो फिर आने वाले समय में लोगों को और ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अभी तो मान लीजिए एक दो जगहों पे, चार जगहों पे एसटीएफ ने छापा मार के इस तरीके से बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन क्या पूरे प्रदेश में संभव है कि इस तरीके से जांच हो सके? बिल्कुल, एसटीएफ कहां कहां छापेमारी करेगी? इसके लिए जो विभाग है, एफएसडीए विभाग के जो अधिकारी हैं, ये अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, जो नियम कानून बनाए गए हैं उनका पालन हो, उनको अक्षर से धरातल पे देखा जाए कि उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर उसमें कहीं शिथिलता है, कहीं लापरवाही बरती जा रही है, तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। गांव देहातों में, कस्बों में खासतौर पर इस तरह की चीजों को देखने को ज्यादा मिलता है, जहां पर ब्लड बैंक बना तो दिए गए हैं लेकिन पालन नहीं होता है जो नियम कानून बनाए हैं। डेढ़ साल पहले भी एक मामला आया था ठाकुरगंज का, आपको बता दें, ठाकुरगंज से एक मामला आया था शशिकांत जी, और एक बार फिर से एक बड़ा मामला सामने आया है। तो कहीं ना कहीं एफएसडीए की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो लगातार जांच करता रहे, लगातार मॉनिटरिंग करे, एक्चुअली में जाकर के ब्लड बैंक पे मॉनिटरिंग करे और इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की जो हरकतें हैं या इस तरह के अपराधी अपराध हो रहे हैं उनको रोकने की कोशिश। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लाल खून का काला कारोबार, लाल खून का काला खेल, आखिरकार लोगों की हिम्मत कैसे पड़ जाती है, इतने संवेदनहीन क्यों हो जाते हैं? हमारे साथ एक पैनल मौजूद है, उनसे चर्चा कर रहे हैं लगातार। हमारे साथ डॉक्टर सोती हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर सोती, आखिरकार इतनी संवेदनहीनता समाज में कहां से आ जाती है? क्या पैसे के लिए कुछ भी करेगा इंसान? हाँ बिल्कुल, अगर आज आप देखिए, आज जो एक नया MBBS करके डॉक्टर निकलता है जी, दो साल के अंदर वो एक बड़ी SUV कार से चलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और पहले जमाने के डॉक्टर्स होते थे, हमने देखा था कि हमारे सामने जो हमारी इलाज करते थे वो बेचारे साइकिल से ही चलते चले आते थे, और वो 70 के दशक में, और उनके पास जो है रिटायरमेंट के बाद जो है एक बजाज का स्कूटर हो पाता था या रमरेटा का हो सकता है। तो जो हमारे अंदर प्रवृत्ति बन गई है कम समय में ज्यादा पैसा कमाने की, वो हर प्रोफेशन में आ गई है। ये केवल मेडिकल प्रोफेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कहीं भी देख लीजिए, कोई भी MBBS कर रहा होगा, उस लड़का पूछो क्या करोगे, कैंसर नहीं, अब गांव जाएंगे एक बड़ा सा नर्सिंग होम बनाएंगे और वो करेंगे। जब नर्सिंग होम बनाएगा तो उसका जो है मेंटेनेंस, उसका खर्चा, उसका सवाल ये है कि आखिरकार इस तरह का खून जो ईमानदारी से है, किसी इलाज करेंगे जो ब्लड है, कितना जरूरी होता है इंसान के लिए, अगर उस समय उस मरीज को जरूरत है और ब्लड नहीं मिलता, और अगर ब्लड मिलता भी, अगर मिलावटी मिलेगा तो इस तरह का लोग कैसे ब्लड प्रोड्यूस कर देते हैं कि एक यूनिट का 2 यूनिट बना देते हैं पैसे के लिए? इतनी संवेदनहीनता क्यों है समाज के अंदर, क्योंकि अपराधी भी हमारे आपके बीच से ही निकलता है। वो तो वही चीज तो हम बता रहे हैं ना। जी 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 जी, प्रॉब्लम ये है कि डिमांड्स ज्यादा है, सप्लाई कम है जी, और उसी चीज का ये लोग फायदा उठाते हैं। हाँ। अब तो थोड़ा और प्रोफेशनल हो गए, समझ गए, जैसे ये वाला केस था तो इसमें जो है वो सलाइन वाटर मिला रहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खतरा नहीं हो सकता है, उससे आपका हीमोग्लोबिन और जो प्लेटलेट्स बना है वही आपकी कम होगी, तो एक बार को हो सकता है पेशेंट सर्वाइव कर जाए, तो लेकिन उनको फायदा बहुत हो रहा है क्योंकि बहुत महंगा ब्लड मिल रहा है इस समय। तो ऐसी स्थिति में जब डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो इस तरीके की अपराध जो है वो पनपने लग जाते,
जाते हैं, ये पढ़े लिखो के अपराध हैं तो पुलिस वाले इसको बड़ी मुश्किल से पकड़ पाते हैं। इसके लिए हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको जो है संवेदनशील होना चाहिए, उनको जो है सचेत रहना चाहिए और उनको देखना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये आ रही है, जैसा कि हमारे पत्रकार भाई बता रहे हैं कि जो रिकॉग्नाइज्ड आपके पैथोलॉजी है वहां पे ये इस प्रकार की कमियां आ रही हैं। उसकी देखभाल जो है ड्रग्स कंट्रोल करता है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसके पास क्यों स्टाफ कम है, वो किस इंटरेस्ट से जो है गलत ब्लड को जो है वो पास कर रहा है, तो इस चीजों को देखना और समझना पड़ेगा। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर तुलका जुड़ी हुई है, उनसे बात करते हैं। तुलका जी, क्या इतनी संवेदनहीनता ठीक है, क्योंकि जो प्रोफेशन है आपके सिस्टम का, क्योंकि आप भी उसी सिस्टम से जुड़े हुए हैं, उसी विभाग से जुड़े हुए हैं, हालांकि जो आपका विभाग है ब्लड बैंक का है, और इसी लिए आपसे प्रश्न बन रहा है कि आखिरकार क्या ब्लड बैंक के खर्चे इतने ज्यादा होते हैं या कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ब्लड बैंक ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि ब्लड बैंक के जो रवैया होता है ब्लड बैंक का वो बिल्कुल अलग होता है, एक एक यूनिट का ज्यादा पैसा लिया जाता है जिस समय तीमारदार वहां पहुंचता है, और ऐसे में मिलावट होगी तो फिर तो भगवान ही भरोसे चलेगा सबको। देखिए ऐसा है, ब्लड बैंक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत चलता है, मतलब जो आपका कानून है जी, और इस एक्ट के अंतर्गत आप ब्लड बैंक से पैसा कमा नहीं सकते, नो कॉस्ट नो लॉस और नो बेनिफिट, नो प्रॉफिट के रेशियो पे इसका चलना आवश्यक है। तो अगर कोई ब्लड बैंक चला रहा है उससे पैसे कमा रहा है वो गलत है। लेकिन एक जो ब्लड यूनिट आप देता है, कोई भी डोनेशन करता है, उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसकी बहुत सारी जांचें होती हैं, और जैसे कि जेएमयू के ब्लड बैंक में न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग की जांच होती है जिससे उसमें कोई संक्रमण नहीं रहता, पूरी एंटीजन एंटीबॉडी स्क्रीनिंग होती है जिससे ब्लड बिल्कुल सेफ हो जाता है, किसी को भी चढ़ेगा तो उससे उसको संक्रमण होने या रिएक्शन होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। लेकिन इन जांचों पे खर्चा बहुत आता है, तो औसतन एक अगर ब्लड यूनिट होती है तो उसमें 4,000 के आसपास प्रोसेसिंग चार्जेस आते हैं। सरकारी ब्लड बैंक में यह है कि बहुत सारा खर्चा सरकार उठाती है, इसलिए गरीब मरीजों को वो बहुत कम अमाउंट, मतलब जैसे 400 या 600 रुपए में ही वो रक्त उपलब्ध कराती है जिससे कि उसे गुणवत्ता पूर्वक अच्छा पूर्वक रक्त मिल जाए। तो अगर कोई कहता है कि अगर उसका रेट डिस्प्लेड है प्राइवेट ब्लड बैंक में कि आपकी PRBC 850 रुपए में मिलनी है, तो अगर वो उससे जाके 10,000 रुपए मांग रहा है तो जरूरी है कि वो आदमी उतना 10,000 ना दे, क्योंकि 10,000 मांगने का तो कोई औचित्य ही नहीं है, ये गलत है। और अगर कोई लेने की कोशिश करता है कि जिसका रेट डिस्प्लेड 850 रुपए और 10,000 ले रहे हैं, तो तुरंत रिपोर्ट करें, क्योंकि ये चीज रोकना बहुत जरूरी है। अगर हर एक आदमी ये अपने मन में दृढ़ निश्चय आएगा कि मैं इस चीज को रोक के रिपोर्ट करूंगा, बहुत बार अक्सर होता है प्रूफ नहीं होता है, लोग देने वाला भी खुश है और लेने वाला भी खुश है, तो कभी ये पुलिस तक बात भी नहीं पहुंचती या मेरे ख्याल से ड्रग अथॉरिटीज तक भी नहीं पहुंचती होगी। तो जरूरी है कि इस तरह के कामों में लिप्त ना हो, जरूर उसको रोकें। जहां 100 लोग होते हैं वहां 2 लोग जरूर खराब होते हैं, 3 लोग और खराब होते हैं, लेकिन उनका साथ ना देकर आप उनको हरा सकते हैं और सही लोगों को जिता सकते हैं। बिल्कुल, कुल मिलाकर के जो ब्लड बैंक्स हैं अगर इस तरह से ज्यादा पैसे मांगते हैं तो उनसे ब्लड ना लिया जाए, और कुल मिलाकर के ऐसे लोगों की शिकायत होनी चाहिए। आप सभी का शुक्रिया इस पर चर्चा करने के लिए। तो जिस तरीके से ये जो खेल है चल रहा था अभी तक, हालांकि एसटीएफ ने जरूर पकड़ लिया है, लेकिन क्या सिर्फ 2 ब्लड बैंक्स को सील करने के बाद क्या आगे इस तरह की घटनाएं नहीं होगी, या अभी और भी कुछ चल नहीं रहा होगा? हालांकि जिस वक्त एसटीएफ इस समय एक्टिव है तो अभी तो शायद इस तरह के कारोबार पर रोक जरूर लगी होगी, लोग डर रहे होंगे, लेकिन कब लोगों के अंदर संवेदनशीलता आएगी, संवेदनहीनता कब खत्म होगी और इस तरह का अपराध कब रुकेगा? ये सबसे बड़ा सवाल आज भी जिंदा है। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही।